आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक ठीक है, असत्य निराधार। जी सर जी, उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, अच्छा आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ, माफी, आप बैठ जाएं। गौरव जी, गौरव जी, माननीय माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, गाल किस चीज का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए, आप बैठ जाए सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउंग टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं, पहले लोग बैठ जाएं, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाएं, पहले सब लोग बैठ जाएं, तब मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको अलाउ, बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं।
चलता है? आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसा कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर सर सर, माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस तुम ठाकुर टैगोर की, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप लोग जाइए बिल से बात, एलओपी प्लीज, आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप भाई, राहुल गांधी जी कह रहे थे आप अंदर आइए, सबको ले जाइए प्लीज सर, माइक माइक लीजिए सर, एक मिनट, माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा, पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, राहुल ने कह दिया। अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें, हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी, प्लीज डोंट बी, मिस्टर राहुल गांधी, आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं है सर, माइक यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, मैं नाम लेता हूं, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है, और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी, गौरव जी, आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी प्लीज,
राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष की है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा उसको निकलवाऊंगा। ठीक है आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक आप नहीं कर रहे हैं।